चावला पर बनने वाली है बायोपिक। इस बायोपिक में कौन बनेगी कल्पना चावला? मरने से पहले क्या था कल्पना का युवाओं को संदेश? क्या नासा को पहले से पता था कि कल्पना धरती पर जिंदा नहीं लौटेगी? और आखिर ये बात कल्पना से क्यों छुपाई गई थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआल। दोस्तों, दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुकी कल्पना चावला के जीवन को जल्द से जल्द पर्दे पर उतारने की कोशिश की जा रही है। कल्पना की लाइफ के उतार चढ़ाव को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है और प्रियंका ये रोल निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, 1 फरवरी 2003 का दिन हर किसी के जहन में आज भी ताजा है। ये वही दिन है जब भारत में जन्मी कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी। हर किसी की निगाह उनके अंतरिक्ष पर थी जो कल्पना को लेकर हर किसी की निगाह उस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई थी जो कल्पना को लेकर धरती पर पहुंचने वाला था। अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल STS-107 धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। उसे धरती पर पहुंचने के लिए महज 16 मिनट का समय बचा था, लेकिन अचानक अंतरिक्ष यान से नासा का संपर्क टूट गया और अगले कुछ मिनटों में इसका मलबा अमेरिका के टेक्सास में दिखाई दिया। उस वक्त कल्पना चावला की वो बात लोगों के दिलों में घर कर गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं और इसी के लिए मरूंगी। उनके ये शब्द अमर हो गए। कल्पना चावला ने 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, जिससे लौटते समय उनके साथ ये हादसा हो गया। कल्पना चावला सक्सेस मंत्रा से हमेशा युवाओं के अंदर जोश भर देती थी। उनके ये मंत्रा आज भी युवा को प्रेरणा देते हैं। कल्पना चावला ने कहा था, सपनों से सफलता तक का रास्ता तय हो जाता है, मगर क्या आप में इसे ढूंढने की इच्छा है? उसे पाने के लिए उस मार्ग पर चलने का साहस है? क्या आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ हैं? कल्पना ने कहा था, कुछ ऐसा करो जिसे आप सच में करना पसंद करते हो। अगर आप बस इसे अपना लक्ष्य समझ के कर रहे हो, उसे करने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहे हो, तो आप खुद के साथ विश्वासघात कर रहे हो। कल्पना चावला हमेशा युवाओं से अपने सपने साकार करने की बात पर जोर देती रही। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे साकार करने का प्रयास करते रहो। इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं, भारत से हैं या कहीं और से हैं। आप जब तारों और आकाश गंगाओं को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका अस्तित्व किसी विशेष भूमि के कारण नहीं, बल्कि सौर मंडल के कारण है। कल्पना को मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर टीम में शामिल किया गया। उन्हें 1997 में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया था। 1997 में अपनी पहली यात्रा के दौरान कल्पना ने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए। वहीं कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 से शुरू हुई थी, लेकिन जब अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को वापस धरती में लौट रहा था तो ये क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कल्पना चावला के साथ 6 अन्य साथी भी थे जो मौत के मुंह में चले गए। लेकिन बाद में इस हादसे से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, और ये खुलासा ये था, जिस दिन कल्पना चावला और उनके 6 साथियों ने उड़ान भरी थी, उस दिन ही तय हो गया था कि उनकी मौत तय है और उनकी मौत का अलार्म बज चुका था, क्योंकि जिस दिन ये उड़ान भर रहा था उस दिन ही पता चल गया था कि ये धरती पर सुरक्षित नहीं लौटने वाला। और ये खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। 16 दिन तक ये लोग मौत के साए में थे और नासा तक हर जरूरी जानकारी भेज रहे थे, लेकिन बदले में नासा ने इन लोगों को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने दी कि ये अपने आखिरी सफर पर निकल चुके।
और बाद में जब नासा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते थे कि इन लोगों को पता चले और हम नहीं चाहते थे कि ये घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए। जितने दिन ये थे वहाँ पर ये खुश रहे, बस हम यही चाहते थे। बाद में सवाल भी उठे कि अगर उन्हें पता चल जाता तो क्या वो अपनी जान बचा सकते थे, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि वो अपनी जान नहीं बचा पाते क्योंकि उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो लिमिटेड थे और अगर वो अंतरिक्ष में ही घूमते रहते तो बाद में उनके ऑक्सीजन सिलेंडर भी ख़त्म हो जाते और उस वजह से भी उनकी मौत हो जाती। सबके मन में यही सवाल था कि काश हम उन्हें बचा पाते, लेकिन मौत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कल्पना की यही स्टोरी बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी जो कि बहुत गौरवशाली हमें महसूस करेगी, गौरवान्वित महसूस करेगी, लेकिन वो पल भी बहुत दुखद होगा जिस वक्त ये सभी लोग हमें छोड़ कर गए। ऐसे लोग दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बायोपिक में प्रियंका चोपड़ा को देखने का कितना इंतजार है? क्या आपको लगता है कि प्रियंका चोपड़ा कल्पना चावला के किरदार को निभा पाएगी? हमें ये सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए, इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीकास्ट स्टूडियो।